खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, देश में लोकसभा चुनाव की घमासान शुरू होते ही कोई टिकट पाने की जुगाड़ में लगा है तो कोई टिकट वितरण पर आपत्ति जता रहा है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया है, जब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के एक प्रदेश सदस्य ने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई, लेकिन महज 12 घंटे के भीतर ही पैतरा बदलते हुए लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हो गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सोमवार रात 12 बजे करीब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सदस्य ओम राजौरिया ने सोशल मीडिया पर वर्तमान में भाजपा द्वारा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए गए तराना के पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया पर आपत्ति लेते हुए एक मैसेज लिखा, जिसमें कई भाजपा नेताओं के नाम के साथ लिखा कि ये सब अपराजय योद्धा और बाहुल्य समाज के लोग हैं और इनकी उपेक्षा कर पट्टावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हारे हुए व्यक्ति को राजपाट दिया जा रहा है। यह मैसेज सोशल मीडिया में वायरल होते ही भाजपा आलाकमान तक पहुंचा और केवल एक रात में ही ओम राजौरिया ने अपने व्यक्तिगत विचार बदलते हुए मंगलवार की सुबह भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का फोटो सोशल मीडिया पर डाला और साथ ही उनके समर्थन में लिखा कि जन जन की यही पुकार, उज्जैन आलोट से सांसद हो अनिल भैया। अब जिस प्रकार हारे हुए विधायक को लोकसभा का टिकट मिलना समझ से परे है, उसी प्रकार इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का पैतरे बदलना भी समझ से परे है। मानसिकता बदलना कोई विषय नहीं है, मतलब मेरा थोड़ा सा ये मन में था कि रविदास समाज बाहुल्य समाज है और अनजाति वर्ग में सबसे बड़ा समाज है। अनजाति में 70% जो वोट है रविदास समाज के हैं, इस समाज को अवसर दिया जाना चाहिए था, ये मेरी सोच थी। फिर ठीक है, अब संगठन निर्णय जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने अनिल फिरोजिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हम साथ हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के 20-25 वर्ष से मैं कार्यकर्ता हूँ, वो प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी का साथ है। वैसे सूत्रों की माने तो ओम राजौरिया ने संगठन के दबाव के चलते रातों रात अपना विचार बदल दिया है और ये भी हो सकता है कि संगठन ने राजौरिया को आने वाले समय के लिए अच्छे दिन दिखाकर उनके विरोध को शांत कर दिया हो। बहरहाल और फिलहाल तो अनिल फिजोरिया अपने विरोध में उठ रही हर आवाज को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। रात एक तरीके से एकदम आपका बदल जाना, क्या ऐसे संगठन का दबाव माना जाए आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई संगठन का दबाव नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के हम स्वयंसेवक है, संघ के स्वयंसेवक है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। थोड़ी सी मन में पीड़ा थी कि रविदास जो बाहुल्य समाज है इनमें अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं दिया संगठन ने अनिल फिरोजिया के रूप में विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व तन मन धन से अनिल फिरोजिया को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। अगर आपका व्यक्तिगत मत अगर जाना जाए तो क्या आप इस टिकट से आप सहमत हैं या फिर आप इसी संगठन या फिर पार्टी के फैसले के चलते आप इसको एक समर्थन कर रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर ही रात को मैंने पोस्ट की थी, थोड़ी मन में पीड़ा थी कि बाहुल्य समाज से चयन करना चाहिए था, लेकिन संगठन ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि ठीक है, संगठन का निर्णय सर्वधार्य होता है और हम भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कार्यकर्ता है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी, उनको हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।